नमस्कार परिवार, हम हैं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द लॉलीपॉप्स, जहां मिलती है हर खबर विद डिफरेंट फ्लेवर। अगर आप रोमांटिक फिल्म देखना पसंद करते हैं तो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शिद्दत आपको काफी रास आने वाली है। राधिका मदान और सनी कौशल की फिल्म शिद्दत आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म के ट्रेलर को जो है दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इस फिल्म में आपको 90s का रोमानी अंदाज नजर आएगा। फिल्म एक रोमांटिक नोट पर खुलती है। फिल्म शिद्दत जो है उसको देखकर कुछ वक्त के लिए आपको जो है DDLJ यानी के दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की याद आ जाएगी। फिल्म की कहानी की अगर बात की जाए तो इसमें एक लड़का एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बदल देता है। वो सोचता है कि वही उसकी सोलमेट है, जैसे कि आजकल 14-15 साल के निब्बा निब्बी सोचते हैं। लेकिन उसकी जर्नी समस्याओं और एक तरफा जुनून से भरी हुई होती है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि जगी यानी के हमारे सन्नी कौशिक और कार्तिका यानी के राधिका मंदान से जो है एक तरफा प्यार हो जाता है, यानी कि हमारे लड़के को हमारी लड़की से एक तरफा प्यार हो जाता है। वह उसे अपना सोलमेट मानने लगते हैं। जगी कार्तिका को इम्प्रेस करने की हर कोशिश करता है। जगी कार्तिका से अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन कार्तिका की शादी जो है वो लंदन में फिक्स होती है। अब आप खुद बताइए कि जब तक फिल्म में क्लाइमेक्स नहीं आएगा, हीरो की मार पिटाई नहीं लगेगी, तब तक फिल्म रोमांचक कैसे बनेगी। तो आगे होता ये है कि जगी जो है बिना पासपोर्ट के लंदन जाने के लिए निकल जाता है, जैसा कि हीरो अपना एक्शन दिखा रहा है। अब लेकिन किस्मत का खेल जो है वो यहाँ पे देखिए कि किस्मत जो है उनका साथ नहीं देती है और वो फ्रांस में जो है पकड़ा जाता है, जहाँ गौतम भारतीय दूतावास में अधिकारी है। जब गौतम जग्गी आमने सामने होते हैं तो क्या होता है, क्या होगा आगे? तो फिल्म NRI दुल्हनिया पाने के लिए देसी मुंडे का स्ट्रगल दिखाती है। वहीं फिल्म की दूसरी तरफ गौतम यानी के मोहित रैना और ईरा यानी के डायना पेंटी हैं। दोनों पंजाब में शादी के बाद जो है फ्रांस में सेटल हैं। ये लव मैरिज जो है 3 ही महीने में तलाक के कगार पर पहुंच गई है। लव स्टोरी के हिसाब से फिल्म का जो म्यूजिक है वो काफी एवरेज नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें एक्टिंग की तो डायना पेंटी और मोहित रैना ने शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें हमारे मुख्य किरदार यानी राधिका मदान की, तो इनकी जो लव स्टोरी है उसमें विशेष प्रभावित जो है इनका कुछ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें अपने एक्टर की जो कि है सनी कौशल, तो उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी अच्छी हुई है इस फिल्म में। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, क्योंकि लॉलीपॉप्स ने तो देख ली है, अब जो हमने देखा वो आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए अगर मूड अच्छा है तो। और अगर आप अभी तक द लॉलीपॉप के परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन का घंटा दबाकर जल्दी से परिवार में शामिल हो जाइए। धन्यवाद।